ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਟਨ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜੀ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। क्या अमृतसर खाने के शौकीन हो? हो तो देखो, आज मैं आपको दिखाऊंगा अमृतसर का स्ट्रीट फूड, या मैं कहूं ढाबों का खाना, या फिर मैं कहूं रेस्टोरेंट का खाना। ये वो जगहें जिनके नाम, काम और दाम और स्वाद सब नेक्स्ट लेवल है। भैया, बात ऐसी है कि बड़े बड़े किचन जहाँ पे दुनिया भर के लोग काम कर रहे हैं और हाथ चलाए जा रहे हैं। तंदूर सेक्शन देखोगे तो ये ले लच्छे और उन पे लगा हुआ मक्खन, कहीं दाल लग रही है तो कहीं दाल तड़का लग रही है, कहीं शाही पनीर तो कहीं बैंगन, और कहीं अमृतसरी कुलचा फ्लेकी फ्लेकी प्यारे प्यारा। और अगर शौकीन हो बड़े तवे की और खानी है अमृतसरी न्यूट्री कुलचा, तो भैया ये वीडियो ज़रूर देखो, बहुत पानी आएगा। और ये वो जगह है, अगर आप चले गए तो 100% गारंटीड हमें थैंक यू बोलेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो और दिखाते हैं आपको ये सारी जगह। 2 घंटे वेटिंग वाला यह ढाबा, जिसकी चर्चा अमृतसर में नहीं पूरी दुनिया में होती है। जगह का नाम है केसर दा ढाबा, और देखिए इन लोगों को जो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं और अंदर जाने की वेट कर रहे हैं, और जो अंदर बैठे हैं वो उठने को तैयार नहीं है, क्योंकि खाना ही इतना स्वाद है। जब हमने इनकी किचन एंटर करी तो देखिए एक बड़ी सी फैक्ट्री जहाँ पर भरपूर अमाउंट में सारा स्टाफ करे जा रहा है काम और हाथ चले जा रहे हैं। एक बड़ी सी देख जहाँ पर दाल मखनी हो रही है तैयार और चले जा रही है, 24 घंटे पकने वाली दाल, छोटी छोटी कटोरियों में दाल का तड़का लगता है। इसके खाइए इनका साग, इनका भरता, और देखा हमने बड़ी सी कढ़ाई में इनका पनीर। एक किचन जहाँ पे जाने का मतलब खाना ही खाना, और खाना देखते रहोगे और देख के ही दिल खुश हो जाएगा। वापस आए तो हमने ऑर्डर की इनकी वेज थाली, जिस वेज थाली में आए इनकी दाल, इनके छोले, साथ में रायता। इसके अलावा कुछ भी ऑर्डर कीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। केसर दा ढाबा, आइए मिलते हैं इनके ओनर साहब से और मारते हैं गप्पे। यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं एंड ये लोग कहते क्राउड, ठीक है अंदर चलते हैं। ओके, बाय द वे केसर दा ढाबा है, मैं एक राउंड ले रहा हूँ सिर्फ पहले आपके आगे, जस्ट टू शो यू। इतनी हाइप यार, आई नो पंजाबी फूड इज़ फेमस, बट ये मेरी उम्मीद से हल्का सा ऊपर निकला। आई थिंक नॉट इवन सिंगल टेबल दैट यू माइट जस्ट फाइंड इन दिस वीडियो जो खाली हो। ओए होए होए, ये देखो जी। अच्छा जी गाइस, ये देखो यहाँ पे दाल तैयार है। सत श्री अकाल जी, क्या हाल है? अच्छा, ये देखो जी दाल मखनी, शक्ल देखना पालक पनीर की। ओए होए, निकालना हमसे निकालना। ओए होए ओए होए, अच्छा जी मलाई कोफ्ता, एक पीस हल्का सा दिखा दो। अरे वाह जी वाह, बढ़ती बड़ी तारीफ सुनिए। लाल रंगा, ओए हो देखना जी, ये देखो जी भाई वाह, कमाल हो गया। दाल फ्राई बन रही है जी, अच्छा इस तरह से फ्राई कर दो। सो थाली है, अलग से मैंने राजमा भरता और पालक पनीर बनाया, वो थाली का पार्ट नहीं है। कहाँ मिलेगा जी सादगी यार। अब क्योंकि अब दाल खानी है तो पहले रायते से ना अपना टेस्ट न्यूट्रल कर लेता हूँ, दाल का समय है। तो इसमें बड़े बड़े बूंदी के भाई, केसर दा ढाबे की दाल फ्राई भाई, तो भाई हाँ और सी बताऊँ क्या, तो किचन ओवरलोड हो गई यार, तब स्वाद है तो मुझे हल्का घी कम चलेगा यार, ये बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं प्रावा दे ढाबा की, जो कि टाउन हॉल एरिया अमृतसर में, और जब मैंने एंटर किया तो देखी दबा के भीड़, लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। यहाँ के ओनर साहब अनुज, जो बहुत हंसमुख आदमी है, उन्होंने अलाउ किया किचन एंटर करने को। किचन में घुसते ही देखा एक भीड़ स्टाफ की, जिनके हाथ चले जा रहे थे, कहीं तैयार हो रही थी दाल तो कहीं था साग और तो कहीं था पनीर। साइड में देखा तो तैयार थी गर्मा गर्म मिस्सी की रोटी। इसके अलावा इनके तंदूर में इनके मशहूर लच्छे, भाई वाह।
और किचन के अंदर गए तो देखा बड़ी सी देख जहाँ पे तैयार होती दाल मखनी, और ये दाल मखनी 12 घंटे डेली पकती है। इसके साथ साथ देखा इनका भरता। कभी भी आप आए प्रावधान ढाबा तो ऑर्डर करनी है आपने इनकी डीलक्स वेज थाली, जिसमें दाल, पनीर, छोले, रायता और चावल आपको मिलेंगे। आइए लेके चलते और मिलवाते गाइस। ये देखो जी, दिस इज द होल प्लेस एंड लुक एट द क्राउड यार, अच्छे से प्रॉपरली भरा हुआ, एंड पीपल आर एंजॉयिंग द फूड। प्रावधान ढाबा 100 साल पुराने। बिल्कुल जी, 110 साल जी, 110 साल। सो योर ग्रैंड फादर है ना? आई एम द फोर्थ जनरेशन। अरे वाह वाह, यहां खाना जरूर बनता है, अलग ही बात है। सबको देसी घी में बोलते हैं बा? बिल्कुल जी, बिल्कुल देसी घी में जी सब कुछ। ओए हो, ये सारी थाल लगी हुई है, ये देखना जी एक बारी। इसे दाल आ गई आपकी, ऐसे दाल देख लो, बड़ी खुशबू आ रही है जी। अरे बिल्कुल जी, ये हमारी तांबे की देग में बनती है पूरी ओवरनाइट कुकिंग के साथ। ये हमारा देसी का तड़का जो हम दाल के ऊपर डालते हैं, जैसे मलाई कोफ्ता है। देखते चलो यार, ये हमारा कढ़ाई पनीर, ये कढ़ाई पनीर, बिल्कुल ये कढ़ाई पनीर आ जाएगा। अब हम देखने वाले डीलक्स वेज थाली, देख लो क्या क्या डालेगा। सबसे पहले डालेंगे छोले, अच्छा ऊपर रोगन जाता है। दूसरी आइटम जा रही है ये शाही पनीर, और ये इनकी सबसे मशहूर दाल, ये रोगन हर किसी में डालते ही डालते हैं। और ये आ गया जी हमारी थाली में फाइनली लच्छा। जल्दी खाते जाते चलते हैं, सबसे ज़्यादा पनीर दाल लास्ट में खाएंगे। नरम रसी हुई ग्रेवी, मज़ा आ गया, मतलब कमाल हो गया जी। खाना हो तो ऐसा हो, मजाक नहीं कर रहा। आ जाओ जी, आ जाओ पासो। ये लिए छोले, ना पसंद है पैसे मत देना इन्हें, मजाक नहीं कर रहा क्योंकि ये सिचुएशन आएगी नहीं। मुझे नहीं पता क्या रेसिपी है, कैसे कर रहे हैं काम ये लोग। मैंने बड़े बड़े देखे हैं लोग खाना बनाते हैं, बट इनमें कुछ बात ही अलग है यार। एंड आई कैन श्योर ये क्वालिटी पे ही ध्यान दे रहे हैं और किसी में दे रहे हैं। हाँ जी, ये हाईलाइट जी दाल इनकी, इतना भी नॉनवेज को मिस नहीं कर रहा, मन ही नहीं कर रहा देख के। वंस अगेन रावा का ढाबा, दिल लेगा मेरा, टच कर लिया इसने। देखिए इस चमचमाते बोर्ड को जिसका नाम है श्री प्यारे लाल जी की पनीर भुर्जी, या मैं कहूँ श्री प्यारे लाल जी का जादू। एक छोटा काउंटर, एक अच्छे सदाजी बेच रहे हैं पनीर भुर्जी, जिसकी वाहवाह पूरे अमृतसर में है। टेलीफोन एक्सचेंज के बिल्कुल नज़दीक। पनीर बनाने से पहले डालते हैं भर के मक्खन, उस पर डालते हैं टमाटर और मिर्ची और ले उसका तड़का। उसके बाद तैयार होती है लाल रंग की भुर्जी, और जिसके साथ सर्व करते हैं ब्रेड। चाहे तो अमृतसरी कुलचा भी ले सकते हैं, बट हमने ट्राई करी ब्रेड। 70 रुपये की ये छोटी थाली, जिसे पनीर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा और दो लोग आराम से खा सकते हैं। आइए मिलते हैं सदाजी से, जानते हैं इनकी सीक्रेट। एक प्लेट वास्ते इतना बटर जाना है? हाँ जी, हरी मिर्च पे ये जी, प्याज हरी मिर्च आदि करेगा जी, सॉल्ट है, नमक, टमाटर, भाजी ये ज़्यादा बटर नहीं है पनीर पनीर भुर्जी वास्ते? हैं मक्खन घी देसी वगैरह है। ये क्या डाला भाजी? सीक्रेट मसाला होता है अपना, थोड़ा सीक्रेट मसाला है। मैनू तो दस ही दोगे, नहीं दसोगे? नहीं अपन जड़े बनाते हो घर भाई साहब है, हल्का जरा दस दो, नहीं मजाक कर रहे हैं भाजी में। चलो ठीक है, पनीर की बारी। प्याज आ गई, पुदीने की चटनी आ गई, गुड़ी की खंड की इमली की चटनी होती है नाल। अरे वाह, मसाला, हाँ जी काली मिर्च जीरा होता जी। हो गया जी डन? हाँ जी, आ गई ब्रेड,
इस तरह देंदे हो। गाइस ये देख लो पनीर भुर्जी, ये जितना साइड पे आप देख रहे हो ना, दिस इज ऑल बटर यार। अच्छे से बाइट बनाओ, ये बाइट है जी। देखो ऑब्वियसली दिस इज अ सिमिलर पनीर भुर्जी जो हम खाते हैं, वो तो बात फैक्ट है, बट ये जो बटर डाला है ना, जिस तरीके से बना रहे हैं और उनका बनाने का तरीका, एक तो वैसी पनीर इतना फ्लेवरसम होता है, ऊपर से बटर। ओके बैड फॉर हेल्थ, गुड इन टेस्ट, गुड इन टेस्ट बोले तो अगर आपने एक बाइट खा लिया पूरा ख़त्म करोगे, बैड इन हेल्थ बिकॉज बहुत मक्खन, मतलब सच बताऊँ हल्का सा कम चल सकता है यार। ये तो ऐसा है कि तुम मक्खन ही खा रहे हो थोड़ा सा विद पनीर। पनीर की अच्छी बात है क्या, सॉफ्ट पनीर में जादू है, अपना ही पनीर ऑब्वियसली इनका बनता होगा। टेस्ट में 10 में से 10, हेल्थ परस्पेक्टिव से 10 में से 10, मतलब हेल्थ भी उतनी ख़राब होगी, मजाक नहीं कर रहा मैं। अमृतसर आने के बाद अमृतसरी कुलचे नहीं खाए तो भैया कमी आप में है। आज हम आपको लेके आए छोटी छोटी गलियों में पहलवान कुलचा शॉप, जहाँ पे स्टाफ मिल के कुलचों की तैयारी कर रहा है, और देखिए इस स्टफिंग को किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, एक तरफ तंदूर हो रहा है और भैया वाह, ये फ्लेकी फ्लेकी कुलचा। और सर्व पता किस पे करते हैं, बटर पेपर में, साथ में देते हैं छोले दोनों में, अरे वाह। ऑर्डर कीजिए ठंडी ठंडी थम्स अप और खो जाइए इनके स्वाद में। कभी भी अमृतसर आना हुआ तो बहुत सारे कुलचों की दुकानें खुलेंगे, बट पहलवान कुलचा शॉप नंबर वन है और नंबर वन रहेगा। हमारी राय में पहलवान अमृतसरी कुलचा सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है और ट्रेडिशनल है। आइए मिलते हैं ओनर साहब से, मारते हैं गप्पे। गाइस राज देख रहे हो, एक आपको हल्के से टूर दिखाना है, अंदर जाने की जगह नहीं है मेरे पास। भाई देने वीडियो लगा दोगे, ये देख रहे हो ये मसाला बन रहा है भैया, पूछेगा ये क्या क्या माल डाला है इसमें भैया, सब कुछ ये इनका अंदर का सारा मिक्सचर बन रहा है। यहाँ पे ना देर आर 1, 2, 5, 3, ये तीन लोग तो सिर्फ फिलिंग का काम कर रहे हैं, कुछ आगे तंदूर पे अगर आप देखो तो 2-3 लोग तंदूर पे हैं। आप भी दिल्ली से आए हैं, हैं क्या फीडबैक है? सीरियसली है जान, जो इतने लोग बोल रहे हैं, इतने जो हाइप है वो जेन्युइन है, शक्ल देखो एक बारी, ये शक्ल है इसकी, है हल्का सा अजवाइन वगैरह ऊपर डाल रखा है, आवाज़ आ रही है, चने हर बाइट पे ना क्रंच, एब्सोल्युटली स्मैशिंग। क्यों? बिकॉज आप उसका तोड़ने निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। जो एक्चुअली कुलचे का टेस्ट है ना, वो वहीं इंटैक्ट है। कई बार क्या होता है, सब्जी इतनी ज़्यादा ओवर पावरिंग होती है ना, दैट यू डोंट रियलाइज दैट द कुलचा इज द एक्चुअल हीरो ऑफ द डिश। तो ये सीन है, ये जी इनका मीडियम स्पाइसी कुलचा, जिसकी फिलिंग सबको मिलती है, दिख रहा आपको। अच्छे से बाइट बना ली है, तृप्ति मस्त, तृप्ति तसल्ली। पता क्या हो रहा है, एग्जाम्पल एक मिनट एक बाइट और लूंगा, बात नहीं बन रही मिनट। नो वर्ड कैन एक्सप्रेस माय फीलिंग्स राइट नाउ, यस आई हैव नॉट हैड अ कुलचा लाइक दिस, दिस इज रियली गुड। इस छोटी सी कार्ड को देख के इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जगह का नाम है जान न्यूट्री कुलचा, और दो भाई मिलके इस जगह को चला रहे हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा तवा दिखेगा, जहाँ पे क्वांटिटी में न्यूट्री तैयार हो रही है, प्रॉपर गाजर और पनीर का इस्तेमाल करते करते, और इसके साथ मशहूर अमृतसरी कुलचा जो पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने इनकी एक प्लेट ऑर्डर करी, जिसमें न्यूट्री डाली, प्रॉपर तरीके से कुलचा डाला, और कुलचा डालने से पहले उस पर बारिश की पनीर की। आइए मिलते हैं भाइयों से, ऑर्डर करते हैं न्यूट्री कुलचा, और एक ऐसा हिडन जेम बता, अगर आप अमृतसर गए तो दिल खुश हो जाएगा। ये स्टॉल है जान न्यूट्री कुलचा, देख लो जी, कीमा फॉर्म छेगा। हां जी हां जी, हैं या वैसे टिक्के कहते हो तुसी? हां जी हां जी, की टिक्के कहते हो कीमा कहते हो? टिक्के कीमा। अच्छा आधा जान, अच्छा ए तुसी डालो चीज, ये एक प्लेट में मेरे लिए डाल रहे हैं सर? हां जी हां जी,
ये मक्खन डाला तुझे अच्छा ये तो मसाले में डिप करके मसाले में इसका टेस्ट और निखर के आता है अच्छा हाँ जी अच्छा इसके ऊपर भी अपना पनीर पूरा ये पंजाबी बंदे जिन्हें बटर ना खाओ स्वाद नहीं आता सच्चाई है जिन्हें पंजाबी बंदे बटर ना पवे उन्हें चीज़ का स्वाद नहीं आता अच्छा जी हर चीज़ बटर होता पंजाबी बंदे का आओ जी आओ सब्जी दिख रही है जी आप लोगों को ये कुलचा है ये ली मैंने बाइट हैं अच्छे से कोई हरी चटनी नहीं कोई लाल चटनी नहीं काम सीधा अटैक अमृतसर से पंजाब वाला टूर चालू किया ना बेंचमार्क में यहाँ जा चुका है इट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी यार देयर इज नथिंग दैट आई कैन टेल यू दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट अ विजिट टू जान न्यूट्री कुलचा टोटली वर्थ इट आप एक बार आओ तो सही